हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अकाउंटेंट इन सीजीए से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। सीजीए की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। क्या इसकी पोस्टिंग सिर्फ दिल्ली में होती है? क्या स्टेट प्रेफरेंस मांगा जाता है? एसएएस क्लियर करने के कितने साल में डबल ए बनते हैं? एसएएस के मार्क्स के बेस पर स्टेट मिलती है? लाइफ टाइम दिल्ली में कैसे रहेंगे? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अकाउंटेंट की भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की वर्क प्रोफाइल बताऊंगा जो सीजीए में आती है। ट्रांसफर्स कैसे करा सकते हो आप अपना एक जगह से दूसरी जगह? सीजीए सिर्फ कैपिटल सिटी में है क्या? स्टेट वाइज वैकेंसीज कैसे पता चलेंगे अगर ये अलग अलग स्टेट्स में है तो? क्या आप इसके साथ यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का प्रिपेयर कर सकते हैं? फिर वर्क प्रोफाइल क्या है जूनियर अकाउंटेंट और सीनियर अकाउंटेंट डबल ए इन सब की? फिर वर्कलोड कैसा रहता है मेल फीमेल्स के लिए? प्रमोशनल एस्पेक्ट्स क्या है इसके? लीव विदाउट पे कैसे मिलेगा? ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? तो ये सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले क्या इसकी पोस्टिंग दिल्ली में होती है? तो मैं बता दूं, नहीं। अकाउंटेंट जो है वो पोस्ट होते हैं जनरली सीजीए में। सीजीए के ऑफिस पीओ और डिविजनल ऑफिस होते हैं जो वेरियस मिनिस्ट्रीज के अंदर आते हैं। तो ये ऑफिस, इनके अंदर फिर से एक सबॉर्डिनेट ऑफिस होते हैं जहाँ पर पेमेंट अथॉरिटीज बैठते हैं, पीओ के ऑफिस बैठते हैं। तो आपकी वहाँ पर पोस्टिंग हो सकती है, तो इनमें से किसी में भी आप जा सकते हैं पीओ के ऑफिस कोई भी सिटी के अंदर। तो वो भी मैं बताऊंगा सिटी किस टाइप की मिलेगी आपको, मेट्रो सिटी या टीयर टू सिटी। तो वीडियो को एंड तक देखना। 2016 में ऐसा हुआ था कि प्रेफरेंस भी मांगी थी और दिल्ली में मैक्सिमम सीट्स थी इसकी, तो इसलिए तब से ऐसा हो गया कि दिल्ली में ही मिलता आ रहा है, ऐसा कंसेप्ट मिसकंसेप्शन। क्या ये स्टेट प्रेफरेंस मांगते हैं बट मिनिस्ट्रीज एलोकेशन होने के बाद? 16 में तो पहले मांग लिया था बट अब मिनिस्ट्रीज अलॉटमेंट हो गई है। पहले मिनिस्ट्री रैंडमली अलॉट हुई है, कोई प्रेफरेंस नहीं मांगा। उसके बाद आप रिक्वेस्ट कर सकते हो स्टेट के लिए अगर आपकी रैंक है, अच्छी मेरिट में आते हो और उस स्टेट के लिए उतने कैंडिडेट ने रिक्वेस्ट नहीं की है। ये आप 17 वाली लिस्ट देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि रैंडमली जो मिनिस्ट्रीज अलॉट हुई है उसकी ये लिस्ट है। तो आप देख सकते हैं कुछ लोगों को इसमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मिला है। अब यहाँ पर मेरिट कुछ भी हो सकता है। आप देखेंगे यहाँ पर 603 वाले को सीबीडीटी मिल गया है, 700 वाले को एग्रीकल्चर मिला है, मतलब कुछ भी डिस्पेरिटी है। ऐसा नहीं है कि आपको मेरिट के बेस पर मिनिस्ट्री मिली है, रैंडमली अलॉट की है। होम अफेयर्स इतने लोगों को मिला है, देख सकते हैं आप। तो इसके भी डिसएडवांटेज बताऊंगा, किस मिनिस्ट्री में क्या फ़ायदा है वो शॉर्ट में बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले एसएएस क्लियर करने के कितने साल में आप डबल ए बन सकते हो? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको टाइम लगेगा। अगर जितनी वैकेंसीज है, वैकेंट सीट्स है और आप क्वालिफाई हो गए हो तो आपका प्रमोशन तभी हो जाएगा, आप डबल ए तभी बन जाएंगे। सपोज करो वैकेंसीज 300 है, ठीक है, और आप क्वालिफाई हो चुके हो तो आप डबल ए के पोस्ट पर आपका प्रमोशन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि आपको काफ़ी टाइम लगेगा या कितने सालों बाद होगा। जितनी वैकेंसीज हैं और उतने ही लोगों को ये क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। और अब ऐसा चल रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में सीनियर एओ की पोस्ट बन चुकी है और अभी डबल ए की बनने की बात है। अगर डबल ए की भी हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ पोस्ट आ गई तो उससे क्या होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी ज़्यादा हो जाएगी और प्रमोशन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए सीट्स प्रमोशन की भी बढ़ जाएंगी, डीआरपीआर कोटा की रेशियो बढ़ जाएगी, तो जिससे प्रमोशन जल्दी ज़्यादा होगा और जल्दी होगा। अब अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें गाइज, तो एग्ज़ाम पैटर्न में पहले बता दूं, पहले ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता था जिसमें 8 पेपर होते थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या पेपर का नाम था। और अब इसकी बात सितंबर में ऐसी चली कि इसको 4 पेपर कर देते हैं इसके, बट यूनियन फिर से ये बोल रही है इनकी कि 8 पेपर ही लो और रिविज़न नहीं चाहती, क्योंकि जो 4 पेपर किए हैं उसमें सिलेबस ज़्यादा कर दिया है और रिवाइज कर दिया है, कुछ चीज़ें ऐड कर दी है। नहीं, यूनियन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि यूनियन में काफ़ी पुराने लोग हैं जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए थे, अब देना चाहते हैं। इसलिए यूनियन चाहती है कि ऑब्जेक्टिव ही हो और 8 पेपर ही हो और सेम सिलेबस रहे। तो मैं बता दूं, जो 2018 का एक पेपर आपके साथ शेयर करता हूं, उनकी ज्वाइनिंग 2019 में हुई है, जो 18 में क्लियर करके आए हैं डबल ए। तो आप देख सकते हैं, पहला सब्जेक्ट है पेपर 1 प्रेसी राइटिंग, दूसरा सर्विस रूल, तीसरा अकाउंटिंग प्रोसीजर, फिर पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कंट्रोल, फिर स्पेशलाइज्ड अकाउंट रूल्स, ऑफिस मैनेजमेंट, PWA पब्लिक वर्क अकाउंट, फिर प्रोक्योरमेंट के कुछ सब्जेक्ट हैं, फिर पेपर 8 कमर्शियल एंड मैनेजमेंट अकाउंट। तो इसमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप इजीली क्लियर कर जाएंगे, बाकियों में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको अब बताता हूँ कि किस बेस पर स्टेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो SAS के मार्क्स के बेस पर आपको स्टेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात, जो SAS क्लियर करने के बाद आप डबल ए लगोगे उसमें सीनियोरिटी देखी जाएगी गाइस, आपके नंबर नहीं, कि आपने उस पेपर में टॉप भी किया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सीनियर अकाउंटेंट है उसको 10 साल आ गए, वो 2010 से जॉब कर रहा है और आपने सीनियर अकाउंटेंट, आपके 2020 में आप सीनियर अकाउंटेंट बने हो सपोज, 3 साल हुए आपको सिर्फ और उसको 10 साल हो गए,
तो जिसको जितना टाइम हो गया है, जिसकी सीनियोरिटी ज्यादा है सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर, उसको स्टेट में प्रेफरेंस मिलेगी डबल एओ अगर सेम टाइम पर क्लियर किया है तो। तो मैं आपको बता दूं, 2010 वाले को आपसे प्रायोरिटी मिलेगी, तीन जो प्रेफर्ड स्टेट मिलेंगी उसमें उसको पहली स्टेट मिल जाएगी और हो सकता है आपको आपकी तीसरी मिले या तीनों में से कोई ना मिले अगर आप बिल्कुल ही रिसेंट लगे हैं तो, सीनियर अकाउंटेंट अभी प्रमोट हुए हैं तो 3 साल अभी कंप्लीट किए हैं तो जब डबल एओ के लिए एलिजिबल हुए हैं। तो इस बेसिस पर ही अलॉट होती है कि सीनियर अकाउंटेंट की सीनियरिटी के बेसिस पर डेट ऑफ सर्विस में कब एंटर हुआ है वो सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर। अब मैं बात करूँ लाइफ टाइम दिल्ली में रह सकते हैं तो आप डबल एओ का एग्जाम मत दो, अगर आपको दिल्ली में ही रहना है लाइफ टाइम तो आप सीनियर अकाउंटेंट बने रहो, सीनियर अकाउंटेंट पर आपके इंक्रीमेंट्स लगते रहेंगे और उसके बाद MACP हो जाएगा, वो भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आपका ग्रेड पे भी अप हो जाएगा, ये आपको पहले इनिशियली दिल्ली मिलेगा, ठीक है। फिर आप ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं अगर आपको दिल्ली नहीं मिलता है, ठीक है। डबल एओ में अगर आपकी प्रेफरेंस नहीं मिलती है तो आप जो पहले लोग डबल एओ क्लियर करके गए हैं, जैसे मान लो 2017 में 2018 में ज्वाइन किया डबल एओ किसी ने बाहर की स्टेट में, फिर 2019 में जो क्लियर करके लगेगा या 2020 में सपोज 3 साल उसने बाहर कर लिए, तो वो फिर दोबारा से दिल्ली आ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बाहर ही डबल एओ रह जाएगा पूरी लाइफ टाइम, अब फिर सीनियर अकाउंटेंट पर दोबारा उसका ट्रांसफर हो सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बात करें तो अच्छे प्रमोशन नहीं है वहाँ पर, ओपन बुक एग्जाम ही होता है। अगर आप डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के वर्क प्रोफाइल की बात करें तो मैं बता दूं CPWD में अभी भी जो काम होता है वो मैनुअल होता है, PFMS पर ज़्यादातर काम नहीं होता है वहाँ पर। MHA की बात करें अगर तो CRPF, CISF, इनके बहुत ज़्यादा बिल्स होते हैं, नंबर ऑफ बिल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, स्टाफ ज़्यादा होने की वजह से सारा काम MHA करता है इनका, तो इसलिए वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं बताऊँगा आपको UPSC के लिए पोस्ट सुटेबल नहीं है आगे भी वीडियो में, ठीक है। तो काफ़ी टायरिंग हो जाता है यहाँ पर। अब अगर बात करें MEA की, जो CG अकाउंटेंट MEA में लगता है गाइस, उसके लिए फॉरेन पोस्टिंग भी अवेलेबल होती है। तो एक बेनिफिट MEA वालों का ये है कि वहाँ पर आपको अलाउंसेस मिल जाएंगे ज़्यादा और सैलरी डबल ट्रिपल हो जाएगी CGA की पोस्ट पर भी। वर्क प्रोफाइल की बात करें अगर तो आप देख सकते हैं सीनियर अकाउंट ऑफिसर होते हैं जो अलग अलग सेक्शंस को हेड करते हैं, ठीक है। तो ऑफिस परफॉर्म करते हैं ड्यूटीज़ वेरियस सेक्शंस के थ्रू, तो प्री चेक, इंटरनल ऑडिट, कंपाइलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, कंसोलिडेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सारे वर्क होते हैं। तो सारे सेक्शन को हेड कौन करता है? डबल एओ। तो यहाँ पर डबल एओ का रोल आता है सीनियर अकाउंटेंट के बाद। हालांकि काम सब सेम करते हैं, चाहे वो अकाउंटेंट हो चाहे डबल एओ, सबका एक ही काम है। वो काम क्या है वो भी अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो वर्क प्रोफाइल जो इनकी रहती है गाइस, उसमें बिल्स पास करने होते हैं, ठीक है, CG अकाउंटेंट को, सैलरी बिल्स, अलाउंसेस बिल्स जो भी किसी ने दिए, LTC सपोज या XYZ, ऑफिस एक्सपेंस बिल्स, ओके। तो ये सारे बिल्स हो गए, फिर पेंशन रिविजन, ग्रांटिंग, फैमिली पेंशन, ग्रेचुटी, ये सारे काम आप देख सकते हैं। पेमेंट से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो सारा CGA अकाउंटेंट करेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है वो मैं आपको बता दूँ, CGA जो अकाउंटिंग बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो सिर्फ सिविल मिनिस्ट्री का ही अकाउंट करती है। जितने भी अकाउंटेंट जाएंगे वो सिविल मिनिस्ट्री के, डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए CGDA ऑडिटर, गाइस डिफेंस में CGA अकाउंटेंट नहीं लगता है, वो CGDA लगता है, ठीक है। CGDA ऑडिटर डिफेंस का काम करता है, यही सारे काम। तो इंटरनल ऑडिटिंग भी जो है वो डिपार्टमेंट इंटरनल ऑडिटिंग विंग से करता है, प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस से। अब अगर बात करें गाइस इसके बाद हम, तो सैलरी की, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो सैलरी है इसकी लेवल 5 की है वो, उसमें आपकी बेसिक जो होगी 29,200 होगी, उस पर ट्रैवल अलाउंस XAT में इतना मिलेगा। डियरनेस अलाउंस मैंने लिखा नहीं है, वो वेरी करेगा हर साल, तो अभी 17 था तो आगे अगले साल जब भी मिलेगा 32 होके मिलेगा उस टाइम के अकॉर्डिंग। HRA आप देख सकते हैं इतना हो जाएगा 24 के हिसाब से, ग्रॉस सैलरी आपकी इतनी मिलेगी, प्लस इसमें DA जोड़ा नहीं है मैंने, NPS डिडक्ट करने के बाद इन हैंड ये हो गई, CGIS गलत लिख गया है, ठीक है। तो आप इस सबको कैलकुलेट कर सकते हैं, CGHS 250 रुपये हो गया है तो ये चेंज कर लेना, ठीक है। तो आपकी इन हैंड जो नेट सैलरी सॉरी वो बढ़ जाएगी, तो आप देखेंगे नेट सैलरी को 40K अप्रॉक्स पड़ेगी आपकी DA जोड़ने के बाद, ठीक है। YCT में भी आप देख सकते हैं, बस DA इसमें ऐड कर लेना उस हिसाब उस टाइम के हिसाब से, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ ZCT की, तो ZCT में भी आप देख सकते हैं बस HRA डिफरेंस हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब LDC से डबल ए गाइस, LDC से डबल ए अगर आप देखें तो 3 साल में था पहले, और अकाउंटेंट से भी 3 साल में था, बट अब ऐसा ड्राफ्ट में है कि 2 साल के बाद ही आप डबल ए का एग्ज़ाम दे सकते हैं LDC लेवल पर भी। तो 2 साल अगर आपने कंप्लीट कर लिए हैं, अपनी प्रोफेशन पूरा कर लिया है, तो आप डबल ए के SAS एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप PH कैटेगरी में या गर्ल कैंडिडेट हैं तो आपको ईजिली आपका होम स्टेट मिल जाएगा, ठीक है। अगर ट्रांसफ़र्स की बात करें इसमें गाइज, तो मैं आपको पहले बता दूँ कि जो CGA में जो ट्रांसफ़र्स होते हैं, ठीक है, वो पहली बात तो उसमें जो मिलता है आपको स्टेट वो रैंडमली मिल गया मिनिस्ट्रीज, ठीक है,
स्टेट उसके बाद पूछा जाता है। अगर आपको मिनिस्ट्री जो मिली और आपका स्टेट वहाँ पर नहीं है तो आप ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्पाउस ग्राउंड पर, सेल्फ मेडिकल ग्राउंड पर आप बता सकते हैं, फैमिली मेडिकल ग्राउंड पर, ठीक है, या अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं अपनी फैमिली के तो भी आप इस पर वापस जा सकते हैं। अगर आपने ये फिल कर दिया था, आपके मार्क्स ज़्यादा थे और आपको कोई और मिनिस्ट्री मिली है, तो आप इसको ऑप्ट करके इस बेसिस पर ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और CGA कंसीडर कर लेता है, CGA कैपिटल सिटीज़ में नहीं है, मैंने पहले ही बताया कि PO CPO ऑफिसेज होते हैं तो वो टीयर टू सिटीज़ में भी होते हैं, तो वहाँ पर भी CGA अकाउंटेंट की पोस्टिंग होती है, ठीक है गाइस। अगर स्टेट वाइज वैकेंसी की बात करूँ तो स्टेट वाइज वैकेंसीज जो है हम RTI लगाते हैं उससे हमने निकाली हुई हैं, तो आप आई बटन पर ऊपर क्लिक करें, मैं वहाँ पर लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा स्टेट वाइज वैकेंसी की। अब बात करें अगर आप UPSC स्टेट BCS अगर इसके साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नॉर्मल वर्कलोड रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऑफिस के अंदर भी टाइम मिलेगा काफ़ी, ठीक है, सैटरडे संडे भी ऑफ होता है तो वो दो दिन भी मिलेंगे, सिर्फ MHA में थोड़ा वर्कलोड हैवी हो सकता है तो उसको UPSC एस्पिरेंट के लिए सूटेबल नहीं माना जाता है, उसके लिए आप मिनिस्ट्री ट्रांसफ़र भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी CGA कंसीडर कर लेता है, एक दो साल में आपकी मिनिस्ट्री ट्रांसफ़र हो सकती है कुछ अगर जेन्युइन रीज़न है तो, वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है गाइज। अब अगर मैं बात करूँ टाइमिंग की तो 9:30 से 5:30, एलोकेशन मैंने पहले ही बता दिया आपको, एलोकेशन रैंडम बेसिस पर होता है। प्रमोशनल एस्पेक्ट्स की, ये इंपॉर्टेंट है, प्रमोशनल एस्पेक्ट्स की अगर यहाँ पर बात करें तो आपको बता दूँ सीनियर अकाउंटेंट जो बनोगे आप वो 3 साल में फिक्स है, नीचे देख सकते हैं, मैं नीचे बता देता हूँ, मैंने जी लिखा भी हुआ है कि 3 ईयर्स में जो है आप अकाउंटेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हो SAS देने के लिए, और पहला कंपलसरी है आप सीनियर अकाउंटेंट बनोगे ही बनोगे 42 ग्रेड पे 3 साल में, और उसके बाद आप अपना सेकंड प्रमोशन AA ले सकते हो SAS क्लियर करने के लिए, क्लियर करने के बाद, ठीक है। अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हो तो आप सीनियर अकाउंटेंट ही रहोगे, मैंने पहले भी बताया, बट इंक्रीमेंट लगते रहेंगे और आपको एक MACP ग्रांट हो जाएगी। तो MACP क्या होता है, आपका एक लेवल बढ़ा दिया जाता है हर 10 साल पर, तो सपोज़ आप सीनियर अकाउंटेंट 10 साल तक रहते हैं तो आप 4600 ग्रेड पे में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लाइफ टाइम दिल्ली में रहना चाहते हैं या आपका होम स्टेट में रहना चाहते हैं तो आप ये भी ऑप्ट कर सकते हैं, वरना ट्रांसफ़र मैंने आपको समझाया AA में भी आके ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि जो पहले गए हैं उनको फिर वापस बुला लिया जाता है घर और नए बैच को बाहर भेज दिया जाता है। उसके बाद AA में 4 साल काम करने के बाद आपकी ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे हो जाएगी, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन मिलता है, ठीक है। तो उसके फिर 3-4 साल बाद आप AO बनोगे, ठीक है। तो मैं आपको चेन बता देता हूँ, पहले अकाउंटेंट, उसके 3 साल में सीनियर अकाउंटेंट, फिर उसके जब भी आप AA क्लियर कर लोगे AA, ठीक है, SAS क्लियर करने पर, फिर उसके बाद आप AO बनोगे, ठीक है, 3-4 साल में, टोटल 7-8 साल में अगर आप एग्जाम टाइम पे निकाल लेते हो तो आप AO बन जाओगे, PO जिसे बोलते हैं, ठीक है, पे एंड अकाउंट ऑफिसर, फिर उसके बाद आप सीनियर AO के लेवल पर पहुंच सकते हो उसके 4 साल बाद। यहाँ पर आके प्रमोशन थोड़ा स्टेगनेंट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ACAO की पोस्ट जो है असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, वो डायरेक्ट पोस्ट कम होती है काफ़ी, 1:4 की रेशियो 20:80 की, तो आप देख सकते हैं अगर 100 पोस्ट आती है तो उसमें सिर्फ 20 ही पोस्ट होती है ACAO की, तो आप लगा सकते हैं कि ICS जो डायरेक्ट कैडर से आ रहे हैं लोग, डायरेक्ट सिविल सर्वेंट जो रिक्रूट हो रहे हैं इस अकाउंटिंग के लिए, तो वो 80 पोस्ट है उनकी, 20 प्रमोशन की है। हर डिस्ट्रिक्ट में भी अगर AO है तो कितने सारे सीनियर AO हो जाएंगे इस पोस्ट को प्रमोशन करने के लिए, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है इस लेवल तक जाना। अब यूनियन ने ऐसा बोला है कि नई पोस्ट क्रिएट करो डायरेक्टर लेवल की और ICS कैडर के पैरेलल चलाओ, मतलब ICS कैडर जो है वो जो डायरेक्ट आते हैं उनसे पैरेलल, जैसे सेक्शन ऑफिसर का होता है मिनिस्ट्रीज में CSS में, कि अंडर सेक्रेटरी फिर डिप्टी सेक्रेटरी, ऐसा इन्होंने सजेस्ट किया है। अब ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग की बात करें गाइज, तो मैंने बताया था अभी कि AA में आप म्यूचुअल चेंज भी कर सकते हो, पर्सनल रिक्वेस्ट भी दे सकते हो मिनिस्ट्री में दिल्ली के लिए, और 3 प्रेफर्ड एरिया जो आप चूज़ करते हो वो मिलेंगे, फिर सीनियर AO में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका। तो ज़्यादातर वैकेंसी दिल्ली में आती है, पर एक चीज़ बता दूं, अगर आप गर्ल कैंडिडेट हैं तो आपको होम टाउन AA में SAS निकालने के बाद ईजिली दे देते हैं CGA, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, इसलिए गर्ल कैंडिडेट खासकर। अगर वर्कलोड की बात करें तो सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है मेल फीमेल के लिए, बस हाँ ट्रांसफ़र में फीमेल को प्रायोरिटी है। अगर लीव्स की बात करें तो EL आपको 30 मिलेंगी, कैजुअल लीव CL 8 और RH 2, और इसके साथ साथ आपको 10 HPL मिलेंगी, 20 HPL एक साल में हाफ पे लीव, तो टोटल 50 के आसपास आपकी लीव्स हो जाएंगी। लीव विदाउट पे की बात करूँ तो मैं आप 90 दिन 3 महीने की सर्विस करने के बाद आप विदाउट पे पर भी जा सकते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव लेके। अब इसकी बात करें अगर ग्रुप सी की पोस्ट है, मैंने बताया 2800 लेवल पर सैलरी बता चुका हूँ, CGL एग्जाम से सेलेक्ट होंगे, नेचर ऑफ वर्क बता चुका हूँ, पोस्टिंग ऑल इंडिया मिनिस्ट्रीज में होती है। और अब ट्रेनिंग की बात करें अगर, तो JNU प्रेमिसेस में ही होती है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि इंसाफ इनका इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये लेता है, इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटेंट फाइनेंस, ट्रेनिंग यहाँ पर होती है आपकी। थैंक यू गाइज।
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 3, 2, 1.